अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। किस्मत भी क्या दिन दिखाती है, कभी फर्श से अर्श पर तो कभी अर्श से सीधे फर्श पे गिरा देती है। विधि, तू रहो हमसे। विधि, हम जानते हैं ये सब कुछ तुमने किया। क्यों कर रही हो ये सब? सुने ना, सुने ना, सुने ना। देखो क्यों मारना चाहती हो हम सबको, जो रहा हो। कभी नहीं थी। क्यों बर्बाद करना चाहती हो अभी को, इस पूरे परिवार को? छोड़ो विदे, छोड़ो हमें। छोड़ो, मैं क्यों कर रही हो ऐसा? कोई हेल्प बचाओ, छोड़ो, छोड़ो हमें। तुम्हारा सच आ गया ना सबके सामने, अबीर को जेल भेजकर हम सबकी जान लेना चाहते हो ताकि सारी जायदाद या हवेली सब तुम हड़प लो, है ना? इसलिए हम सबको मारना चाहती हो ना? यही है ना तुम्हारी असलियत? बताओ, इसलिए मारना चाहती हो ना हमें? हमें पेन ड्राइव तो नहीं, नहीं देंगे। हमारे बेटे की बेगुनाही का सबूत है, नहीं देंगे। अब थारा मरने का वक्त आ गया, सब मिटा दूंगी, वरना सा जेल से कभी नहीं निकलेंगे। सब खत्म कर दूंगी, सब। विधि, तुम यहां कैसे? तुम यहां क्या कर रही हो? अनसा, हमारे को माफ कर दीजिए। हमें नहीं पता हमसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। हमारा विश्वास कीजिए अनसा, हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे। हमें नहीं पता हमसे इतना बड़ा पाप कैसे हो गया। हमारे को माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए हमारे को। ये सब क्या है? ये सब कैसे हुआ? और ये है क्या? ये सब, ये कुछ बताओगी अब? ये सब कैसे हुआ? हम नहीं जानते, नहीं जानते हम। मना सब, हमें नहीं पता हमसे इतना बड़ा पाप कैसे हो गया। हमें कोई होश ना था। आप हमारे से दूर रहिए, हम आपको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। अब हमें माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए हमारे को। विधि, विधि, ये कैसा सपना था? विधि के हाथों में खून, क्या मतलब हो सकता है इन सबका? हवलदार साहब, हवलदार साहब, प्लीज प्लीज, हमें एक अपने घर वालों को फोन करना, सिर्फ एक फोन करना। अरे चलो चलो, बहुत देखे तुम्हारे जैसे, कोई फोन वोन नहीं मिलेगा, समझे? हवलदार साहब, हमारी बात पे यकीन कीजिए, बहुत जरूरी काम है, हमें एक फोन करने दीजिए प्लीज। ये हवालात है, तुम्हारी हवेली नहीं। हवलदार,
हे अम्बे माँ, इस दुनिया में शायद ही कोई होगा जो विधि से ज्यादा तुझ पर भरोसा करता होगा। पता नहीं क्यों, लेकिन हमारा दिल कह रहा है कि आज तेरी भक्त को तेरी बहुत जरूरत है। तू ही कुछ कर सकती है अम्बे माँ, विधि मासूम है, उसे से बचा ले प्लीज। रुक जाओ विधि, हमारी बात सुनो विधि, तुम ऐसी नहीं हो, तुम ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती। अम्बे माँ का नाम लो और अपने अंदर पनपती बुराई को हरा दो। माँ हुकुम को तुम तकलीफ नहीं पहुंचा सकती, तुम्हें तो प्यार करना आता है विधि, तो तुम किसी को तकलीफ कैसे पहुंचा सकती हो? नहीं, हमारी विधि ऐसा नहीं कर सकती। नहीं कर सकती विधि, आंखें खोलो और समझो। मुमकिन, ये कभी नहीं हो सकता। हमारा वशीकरण मंत्र कभी टूट नहीं सकता। इसमें दोष मंत्र का नहीं है, वो देखो माँ अम्बे की परछाई जो विधि पे पड़ रही है। हमारे काले जादू की परछाई चाहे कितनी भी गहरी हो, माँ अम्बे की परछाई का सामना नहीं कर सकती। एक और हार हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमसे इतना बड़ा पाप कैसे हो गया? डॉक्टर रुकम आंखें खोलिए, डॉक्टर रुकम मेरी तरफ देखिए, डॉक्टर रुकम उठिए। हमारा तो नहीं है, कहीं ये पाप हमने इसकी वजह से तो नहीं किया। डॉक्टर रुकम आंखें खोलिए, हमारी तरफ देखिए। डॉक्टर रुकम हम आपके लिए पानी लेकर आते हैं। दादू साहब आंखें खोलिए ना। काका साहब आंखें खोलिए ना। काकी साहब आंखें खोलिए।
डॉक्टर रुकम आगे खोलिए, हमारे को माफ कर दीजिए, हमने कुछ जानबूझ के नहीं किया। आगे खोलिए, हमारे को जो सजा देनी है हमारे को दीजिए, हमारे को माफ कर दीजिए। डॉक्टर रुकम आगे खोलिए, आगे खोलिए। अबे माँ, तेरा लाख लाख शुक्र, डॉक्टर रुकम को होश आ गया। डॉक्टर रुकम हम विधि, आप ठीक तो है ना? हमें मत जाना, विधि, विधि, हम कह रहे हैं, हमें हाथ लगाने की कोशिश मत करो, दूर रहो। डॉक्टर रुकम, हमारी बात सुनिए। हाँ, पास बता ना हमारे, हम कह रहे हैं। डॉक्टर रुकम, हमारे पास आई, जान ले लेंगे तुम्हारे। डॉक्टर रुकम, हमारी बात सुनिए। विधि, हमारी जान लेना चाहती हो तुम? हाँ? डॉक्टर रुकम, हम आपको क्यों मारेंगे? डॉक्टर रुकम, हम बता रहे, दूर हो जाओ। मेरी बात सुनिए, देखिए, हम आपको क्यों मारना चाहेंगे? हमारी माई जैसी है, देखिए, हमने जो कुछ किया वो जानबूझ कर ना किया, हम भला ऐसा क्यों करेंगे? डॉक्टर रुकम, हम पे किसी ने काला जादू किया था, हमारे गले में एक तावीज था। डॉक्टर रुकम, उसी की वजह से इतना बड़ा पाप कर बैठे। हम जब मनसा को मिलके लौट रहे थे तो तुम्हारी पीठ पे किसी ने सुई चुभी, और उसके बाद हम अपना सारा होश खो बैठे। हमें नहीं पता कब हम कहां थे और कब हमारा हाथ आपकी गले। डॉक्टर रुकम, हमारे को माफ कर दीजिए, हमसे इतना बड़ा पाप हो गया, मारे को माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए मारे को। डॉक्टर रुकम, हमें मारते वक्त तो एक मिनट के लिए हिचकिचाई नहीं थी, अब सच्चाई बोलते वक्त कैसी हिचकिचाहट? हाँ, ये काला जादू, जादू टोटके, इन सब में हम विश्वास नहीं करते। ये जाकर अपने गांव के अनपढ़ गवार दोस्तों को सुनाना, हम पे इनका कोई असर नहीं होगा। डॉक्टर रुकम, ये हमारे साथ पहली बार ना हुआ है, पहले भी किसी ने हमारे पर काला जादू करने की कोशिश की है। वाह विधि वाह, तमाशा करना तो कोई तुम जैसी लड़की से सीखे। दो कौड़ी की औकात नहीं है, चलिए इस पूरे महल पे राज करने। मारना चाहती हूँ मैं, लेकिन सच्चाई तो ये है कि यहाँ इस हवेली में हर कोई तुम्हारी मौत का इंतजार कर रहा है। क्या लगा था तुम्हें, तुम जैसी को हम अपनी बहू मान लेंगे? नहीं, कभी नहीं। सरपंच ने जबरदस्ती तुम्हारी शादी क्या करवा दी हमारे बेटे से, तुम ये मानने लगे कि तुम असलियत में इस हवेली की मालकिन हो, बहू हो हमारी? नहीं दीदी, हम तुम्हें अपनी बहू कभी भी नहीं मानेंगे। सच्चाई तो ये है कि हमारे बेटे अभी की कुंडली में एक दोष है, और वो दोष सिर्फ एक ही चीज मिटा सकती है, बलि, मानवी बलि। तुम हमारे लिए बहू नहीं हो, सिर्फ एक बलि हो, बलि। बलि? हां, सिर्फ एक बलि। कभी कभी तो हमें लगता है क्या तुम इतनी भोली हो कि तुम इतनी आसानी से मान गई कि हम जमीन की धूल को उठा के माथे का तिलक बना देंगे, जिसकी कोई औकात नहीं है उसे इस घर की लक्ष्मी बना के लाएंगे हम। अबीर की बीवी अगर कोई बन सकती है तो वो है सिर्फ और सिर्फ त्रिशाला, और अबीर भी इस बात को मानते हैं। लेकिन बन्नासा, तुम्हारे बन्नासा सब कुछ जानते हैं,
और वो सिर्फ एक चीज चाहते हैं, जल्द से जल्द उन्हें तुमसे छुटकारा मिले और त्रिशाला और उनकी जिंदगी शुरू हो सके, और वो जिंदगी शुरू होने के लिए तुम्हारी मौत जरूरी है दीदी। तुम्हारी बलि की, तो जहां कहीं भी तुम मरोगी हमारे बेटे अबीर की पत्नी बन के ही मरोगी। इतनी शानदार दावत तुमने अपनी जिंदगी में नहीं देखी होगी जितनी के तुम्हारी मौत पे देंगे हम। यहां तुम्हारी बलि चढ़ेगी और वहां अबीर और त्रिशाला हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। चली जाओ यहां से, अपनी शक्ल दोबारा मत दिखाना हमें। हमारे बेटे अबीर की कुंडली में एक दोष है और वो दोष सिर्फ एक ही चीज मिटा सकती है, बलि, मानवी बलि। तुम हमारे लिए बहू नहीं हो, सिर्फ एक बलि हो, बलि। बीमा, हमने बचपन से सुना था और माना भी, तू तो सारी जगत की माई है, लेकिन आज जो कुछ भी हुआ ना उससे हमारा सारा भरोसा टूट गया है। माँ, तू ना हो सकती मारी माँ, ना हो सकती। और अगर तुम्हारी माई है ना तो बता हमारे को, कौन सी माँ अपनी बेटी को मौत के मुंह में ढकेलती है? कि उसका ब्याह कैसे आदमी से करवाएगी जो उसकी मौत का इंतजार कर रहा है? तूने मारे को बस वो दहलीज इससे लगवाई ताकि तुम्हारे को मौत के घाट उतार सके। डॉक्टरों को उन्होंने मारे ऊपर कितना प्यार बरसाया था, क्या वो सब झूठ था? अब तो हम भी यही कह रहे हैं ना कि यही विधि का विधान है। अब तुम ही तोमर परिवार की बहू हो विधि। हम जानते हैं कि ये शादी झूठी थी, लेकिन हमने हमेशा इस रिश्ते को ईमानदारी से निभाया। दादो सा ने जब कभी अपना हाथ मारे सर पर रखा ना, मारे को ऐसे लगा कि साक्षात भगवान मारे को आशीर्वाद दे रहे। और काका सा मारने कितना मायने रखते थे, अरे हम उन्हें अपना पिता मानते थे, तो क्या वो भी मारी मौत का इंतजार कर रहे थे? माँ, आज तक मैंने तुम्हारा हर फैसला सर मत्थे रखा, यहाँ तक कि इस बीमारी को भी हंसते हंसते झेला, लेकिन आज पहली बार मारे को तुम्हारे फैसले पर शक हो रहा है। माँ बता,
बता मारे को क्यों किया तूने मेरे साथ ऐसा, क्यों शामिल किया मारे को उस हवेली में, मदरसा की जिंदगी में, जब हम सिर्फ एक बड़ी के लिए बने थे तो क्यों मां, क्यों? ईश्वरी जी बेकसूर, ड्रग्स की तस्करी में अगर कोई गुनेगार है तो वो हम, अबीर सिंह तोमर। आज मैं अपनी हिम्मत हार चुकी हूँ, मन्ना सा ने क्यों हमारे साथ ऐसा किया, जवाब दे माँ, जवाब दे। अगर मैं मन्ना सा के लिए सिर्फ एक लाश थी तो क्यों इतना शांति उन्होंने मारा, क्यों मारी माई का झूठा इल्जाम अपने सिर पर लिया, क्या करें हम, क्या करें? एक तरफ मेरा दिल है जो कहते हैं बन्ना सा एक अच्छे इंसान है कि वो हमारे साथ कभी ऐसा नहीं कर सकते, और फिर एक तरफ मेरा दिमाग जो चीख चीख कर हमको ये कह रहे कि बन्ना सा ने आज तक सिर्फ हमारे साथ ढोंग किया। क्या करें हम? क्यों माँ, क्यों मारे साथ इतना बड़ा धोखा दिया तूने? मारा क्या कसूर था माँ, क्या कसूर था मारा, क्या कसूर था?